वेलकम बैक टू माय चैनल टिप टॉप कोमल। गाइस, हमें अपने बाल इतने ज्यादा सॉफ्ट स्मूथ चाहिए होते हैं कि हम पार्लर में जाते इतने महंगे महंगे स्पा लेते हैं, और आपको पता है कि वो स्पा कितने को होता है और कितने का हमें पड़ता है। ये शायद बातें आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता थी, बट मैं हमेशा डरती थी कि पार्लर जाने में स्पा, यार पता नहीं मेरे बाल खराब ना हो जाए, कुछ हो ना जाए। तो रिसेंटली मैंने एक स्पा देखा है, लॉरियल का टोटल रिपेयर फाइल हेयर मास्क है, और यही वाला स्पा मैंने एक बार पार्लर में देखा था कि एक जो पार्लर वाली दीदी थी वो किसी के कर रही थी, और इतना कॉस्टली था कि मैं वहीं पे मैंने बोला हो इतना, तो मैं काफी शॉक हो गई थी, मैंने कहा मैं तो नहीं करवा सकती हूँ। बट गाइज, मैंने यही लॉरियल का स्पा किया है आज अपने बालों पे, और वो भी घर में। तो आप मेरे बालों को देख सकते हैं कि मेरे बालों की चमक और जितने की स्मूथ, क्योंकि आप तो फील नहीं कर सकते, बट जितना मैं फील कर रही हूँ अपने बालों को, मैं बोल सकती हूँ इतने ज्यादा स्मूथ हो गए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि यार हमें वही चीज पार्लर में जाके करवा के डबल और ट्रिपल जो मनी है अपनी वेस्ट करनी चाहिए, बल्कि आप घर पे इजिली वही चीजें कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पे कैसे ही स्पा कर सकते हैं इस लॉरियल टोटल रिपेयर 5 से। और गाइज, नेक्स्ट थिंग क्या होती है कि हम बहुत ज्यादा एकदम से परेशान होते हैं कि ये चीज हम पे वर्क करेगी या नहीं करेगी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए हम यहाँ है ना, क्योंकि मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ वही चीजें ले जाती हूँ जिसका रिजल्ट मुझे अच्छा लगे। मैंने इसे ट्राई किया है और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो मैंने वीडियो में बताया है, तो मेक श्योर आप मेरी वीडियो पूरी देखें ताकि आपको पता चले कि इसका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, इसका रिजल्ट मुझे कैसा मिला। तो आइए शुरू करते आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि जो मेरे हेयर की कंडीशन है वो आपके सामने है, और अगर ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मेरे हेयर काफी ज्यादा डैमेज है इस टाइम पे। नीचे से वो वेट है नहीं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इस कितनी ज्यादा स्प्लिट एंड्स है मेरी, और नीचे से बाल बहुत ज्यादा डैमेज है। तो मैं सोचा यार कितना ज्यादा देख चुकी हूँ, तो एक बार मुझे भी टोटल रिपेयर 5 देखना चाहिए, और देखती हूँ कि मेरे बालों पे कितना असर दिखाता है। तो आइए शुरू करते हैं इसको बालों में लगाना। और एक बात मैं आपको बता दूं, आप कभी भी अपने डर्टी हेयर पे इसको अप्लाई ना करें। मैंने यहाँ पे आधे घंटे पहले अपने हेयर वॉश किए थे, और इसके बाद मैंने पैट ड्राई किया। ब्लो ड्राई नहीं करना है आपको, और जब ड्राई हो जाए आपके बाद, और आपने पैट ड्राई करना, और ड्राई होने के बाद गाइज आपने कॉम से सारे टैंगल्स को निकाल लेना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने टैंगल्स निकाल लिए। तो गाइज, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके जो रूट्स हैं वो पूरी तरीके से वेट नहीं हो जाए, क्योंकि अगर आपकी रूट्स वेट होंगी तो बहुत ज्यादा वहां पे कमजोर होती, तो आपको हेयर फॉल की दिक्कत हो सकती है। तो आप बोलेंगे यार को बोले तो ऐसा बोला था, तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। मैं बोल रही हूँ कि आपकी लेंथ को आपने हल्का हल्का वेट करना है, बट आपकी रूट्स को नहीं, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लगाना। तो कुछ आप देख लीजिए कुछ ऐसा, इसकी एक पता है ये चीज भी, अगर इन्होंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लिट दी होती तो ये चीज यहाँ पे नहीं आती। चलिए लेट्स फॉरगेट, मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आपने सबसे पहले अपने हाथों पे लेना है कुछ, ये कंडीशनर की तरह ही मुझे लग रहा है। और गाइज, इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि अगर आपने कंडीशनर अप्लाई करने में बिलीव नहीं करते हैं तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आपने लेने हैं सेक्शन के सब सेक्शन, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, और कुछ इस तरीके से लगाना है ऊपर से नीचे की तरफ। टिप को बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि मोस्टली हर किसी की डैमेज जो होती है वो यहीं पे ही होती है। मेरे सेक्शन हो चुके थे, तो इस वजह से अगर आपने सेक्शन नहीं किए हैं या फिर कॉम का ही जरूर अप्लाई कीजिए। और ये ऑल ओवर मैं फटाफट से आपको करके दिखाती हूँ। आपने देखा कि ये मेरे पूरे बालों में लग चुका है। अब आपने बहुत ही फिंगर टिप्स की हेल्प से हल्की हल्की मसाज कर देनी है अपने, ताकि अगर रूट्स में कहीं पे रह गया है तो अच्छे से मिक्स हो जाए, जस्ट लाइक मी। आई थिंक ये काफी अच्छे से मिल गया। और गाइज, जब आप इसको अप्लाई करेंगे ना, तो हल्की सी अपने बालों में स्मूथनेस आप अभी से फील करने लगेंगे, कि जैसे कि जब आप देखते हैं कि पार्लर वगैरह में हम स्ट्रेटनर कराने जाते हैं या फिर कुछ ऐसा लगता है, तो कुछ इस तरीके से मुझे अभी लगने लगे। और अब मैं इसको हल्का सा, एक आपके पास अगर कोई कपड़ा है कॉटन का, या फिर कोई टी शर्ट या फिर कुछ समथिंग ऐसा कुछ हो, तो उसको उसे गर्म पानी में गर्म करके अपना करना है। तो अब मैं भी वही करने जा रही हूँ, तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा है। यहाँ पे मैंने एक टी शर्ट ले ली है, टी शर्ट से अपने बालों को कवर कर लिया। कवर गाइस आपने बहुत ध्यान से करना, और 10-10 मिनट के लिए आपने दो बार ये प्रोसेस करनी है। तो
तो गाइज आप देख सकते हैं कि मैंने अपने हेयर वॉश कर लिए हैं और इनफैक्ट जो है पैट ड्राई भी कर लिए, मैंने ब्लोअर ड्राई नहीं किया। तो इस चीज का मैं आपको बोलूंगी ब्लोअर ड्राई नो, क्योंकि ब्लोअर ड्राई से हमारे ऑलरेडी बाल बहुत ज्यादा डैमेज होते थे, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो अब जो हूँ बाल मैंने इजली शायद ड्राई भी हो चुके हैं और हेयर द फाइनल लुक कुछ इस तरीके के बाल आए हैं। मतलब यार अभी हल्के हल्के वेट है बट जो उसकी स्मूथनिंग मुझे लग रही है वो काफी ज्यादा है। और मैं आपको कॉम करके अपने हेयर्स दिखा देती हूँ थोड़े से वही कि कितना ज्यादा इसका रिपेयर एक बार में, क्योंकि कोई भी चीज होती है हमें एक बार में तो उसका फायदा नहीं होता, तो उसको आपको ट्राई करना होगा। तो मैं भी इसका 3 मंथ चैलेंज लेने वाली हूँ कि 3 मंथ्स में आखिर ये मेरे कितने डैमेज को रिपेयर करता है या नहीं। इट्स सो स्मूथ। या और ये कॉम्ब है, आप ये देखिए कोई भी नीचे कॉम्ब नहीं है आपके सामने है, नो कट नथिंग। आप देख सकते हैं कि सिर्फ हाथ से हाथ 1 और 2, जहां मेरे इतना इतना टैंकल्स निकलते थे वहां इतने सिर्फ 1 और 2। तो यार इट्स अमेजिंग, मतलब फर्स्ट टाइम में अगर मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो आई एम श्योर 3 मंथ्स में तो ये बिल्कुल भी हेयर फॉल या फिर जो मेरे स्प्लिट एंड्स की शिकायत है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ, क्योंकि एक बार में तो कम नहीं होते बट हाँ हल्का हल्का होश, मतलब जो उनकी बहुत ज्यादा आप देखते हो बहुत ज्यादा बाल एकदम वाइट वाइट हो जाते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, तो उस तरीके से आप बाल इस टाइम पे नहीं लग रहे हैं। तो एक बार से आप पीछे से भी देख सकते हैं मेरे बाल, और कुछ ही आगे से गाइस बाल इतने ज्यादा स्मूथ लग रहे हैं कि काफी अच्छा लग रहा है। तो अगर आपने ये स्पा नहीं लिया है घर पे, क्योंकि अगर आप पार्लर जाना चाहते हैं आपका मन है पैसे बहुत ज्यादा है तो आप जरूर जाइए, बट अगर आप चाहते हैं कि घर में ही सस्ता सस्ता आप स्पा कर पाए तो आई थिंक इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। और आने वाले वीडियो में मैं आपको और दिखाती रहूंगी कि मुझे मेरे बालों पे असर कैसा दिख रहा है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और यूजफुल वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।